दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों से ये कहा था कि आप लोगों को पैमाने में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाती है कि तीन प्रकार के पैमाने होते हैं, जिसमें से पहला होता है ग्राम का, मीटर और लीटर। ग्राम का होता है कोई भी ठोस चीज को नापने के लिए ग्राम का उपयोग करते हैं, और अगला होता है जो मीटर होता है वो लंबाई नापने के लिए होता है, और जो लीटर होता है वो लिक्विड पदार्थों को नापने के लिए हम लीटर पैमाने का यूज करते हैं। तो इसमें ग्राम, मीटर और लीटर, इन तीनों के पैमाने में, जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी चीज है, यदि आप बाजार में गए और आपने कहा कि हमको 100 ग्राम चीनी दे दीजिए, ठीक है, तो 100 ग्राम चीनी दिया, तो उस वक्त मान लीजिए चीनी का जो रेट है वो 10 रुपया किलो का है, और आपने 100 ग्राम चीनी का कीमत पूछा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक। तो उसी अनुसार आप कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। तो जब आपको यही कंफ्यूजन होगी कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे और आप ज्यादा पैसे दे आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इसी को बताने की कोशिश करूंगा कि आप तत्काल कपड़ा लेने जाते हो आप तो मीटर में ही नाप करोगे, और यदि आप दूध लेने के लिए जाते हो या कोई भी चीज लेने के लिए जाते हो, लिक्विड चीज, तो वो लीटर में होता है, तो उसको भी आप लेने के लिए जाते हो, तो वहां पर अगर आपको सही ढंग से पैमाना नहीं पता है, तत्काल आप उसको हल नहीं कर सकते हो। रट्टा मारने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, निश्चित ही आपको पैमाना बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए, पैमाने में ये चीज समझ लीजिए कि सारे पैमाने सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर समझा दूंगा, तो आपको जीवन भर ये पैमाना याद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है किलो, ठीक है, उसके बाद होता है हेक्टो, उसके बाद होता है डेका। अब इसके बाद दोस्तों इसी के बाद चेंज होता है, अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो यहां पे ग्राम आ जाएगा, ग्राम, डेसी, सेंटी, ठीक है, उसके बाद मिली, ठीक है। अब इसी तरह सेम आपको अगर आप मीटर में लेते हो तो यही ग्राम की जगह पे मीटर आ जाएगा, ठीक है, और यदि आप लीटर में लेते हो तो यही मीटर की जगह पे, ग्राम की जगह पर हमारा लीटर आ जाएगा। तीनों पैमाने सेम होते हैं, सब में किलो होता है, हेक्टो होता है, डेका सब में होता है, डेसी, सेंटी, मिली, इसमें भी सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है, बस ग्राम, मीटर और लीटर में ही चेंजमेंट हो जाता है, तीनों बदल जाते हैं और हमारा पैमाना बदल जाता है। तो अब बात यह उठती है कि इनको हम याद कैसे करें। नॉर्मली हमने जब पढ़ाई करी थी तो टीचर ने सीधे लिखवा दिया था कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, हमने रट्टा मार लिया, एक किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होता है, यह भी हमने रट्टा मार लिया था। लेकिन दोस्तों ये रट्टा मारने की चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का, इसको जानने का। तो आइए हम उसी को हल जानने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन अपनी पांचों उंगलियों को अपने एकदम दिमाग में रखना है, ये पांचों उंगलियां जब भी आपसे कोई पैमाना पूछे, बस आप इन्हीं पांचों उंगलियों को अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, और आप तत्काल उनको हल कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आप तुरंत निकाल दोगे, उसके बाद आप घुमा लोगे तो हो जाएगा। कैसे? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, ठीक, एक हाथ पे आप पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि देखिए, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, ठीक, तो सबसे पहले इन्हीं उंगलियों पर आप इनको याद रखोगे। देखिए,
किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, ठीक है, आराम से ये याद हो जाएंगे। अब इनको हम कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि एक किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो किलो को आप एक मान लीजिए, ठीक, हेक्टो को आप जीरो मान लीजिए, तो कितना हो गया, दस। आपसे किसी ने पूछा कि एक किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो एक किलो को जो आप मान लीजिए एक, और हेक्टो को जीरो मान लीजिए और डेका को जीरो मान लीजिए। कैसे, देखिए, आपसे किसी ने पूछा कि एक किलोग्राम में कितने डेकाग्राम, तो किलो हेक्टो डेका इकाई दहाई सैकड़ा, फट से आपने इसका आंसर दे दिया। किसी ने आपसे पूछा एक किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो डेसीग्राम तो इस तरह आपने रख दिया। तो देखिए, अब किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी डेसी ये पांच हुए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, दिखाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, दस हजार डेसीग्राम होता है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक हेक्टोग्राम में कितने डेसी ग्राम होते हैं, तो एक हेक्टोग्राम में इसको आपने एक मान लिया, इकाई दो तीन। तो देखिए देखिए, अब सीधे आपको फिर हेक्टो से ज्ञान गिरना है, तो हेक्टो डेका ग्राम डेसी तीन आ गया, तो एक दो तीन चार, ठीक है ना, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो एक हेक्टोग्राम में एक हजार डेसी ग्राम होता है, ठीक है। किसी ने पूछा आपसे एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो सीधे आप ग्राम को एक मानिए और बाकी सबको जीरो मान लीजिए। तो देखिए, ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम मतलब इकाई दाई सैकड़ा हजार, मतलब एक ग्राम में एक हजार मिलीग्राम होता है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक है। सेम उसी तरह दोस्तों, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, आप बस यहां जिसको जो चीज पूछे आप उसी को एक मान लीजिए, और जो चीज पूछ रहा हो, जिसके थ्रू जिसको पूछ रहा हो, बाकी सबको आप जीरो कर दीजिए। कैसे, देखिए, एक किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, दस लाख मिलीग्राम होता है एक किलोग्राम में, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसी तरह सेम, कोई दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, सेम उसी तरह आप मीटर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सीधे एक किलोमीटर को एक मान लिया और बाकी सबको जीरो मान लिया, तो इकाई, देखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, एक हजार मीटर बराबर एक किलोमीटर होता है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, एक किलोमीटर बराबर एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर। किसी ने पूछ लिया कि एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक जीरो नीचे बराबर बढ़ा दीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, ये आ गया दोस्तों हमारा। किसी ने कह दिया एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अक्सर ये चीज पूछ लिया जाता है, तो एक मीटर में कितने मिलीमीटर, तो मीटर को आप एक मान लीजिए और बाकी सबको जीरो मान लीजिए, तीन जीरो लगा दीजिए, तो मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो मतलब एक मीटर में एक हजार मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो सेम आपको बीच में ग्राम मीटर और लीटर को रखना है, और सेम पैमाना वही चलेगा, कोई दोनों में अंतर नहीं होता है। सेम उसी तरह दोस्तों आप लीटर को भी ले लीजिए, बस किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं, ठीक है, तो आप सीधा इकाई दहाई, तो दस हो गया डेका लीटर, इकाई ये जीरो हो गया, इकाई दहाई दस हो गया। किसी ने पूछ लिया आपसे कि एक डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो आप तीन जीरो बढ़ा दीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो डेका लीटर डेसी सेंटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीटर का पैमाना। सेम उसी तरह दोस्तों, सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए चलोगे तो आप इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये पैमाना आपके समझ में आ गया होगा, बस आपको ये पांच उंगलियां अपने दिमाग में रखना है और बस टिप्स पर आपको काउंट करना है, आप तत्काल उसका आंसर निकाल लोगे।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कभी भी अगर जीवन में पैमाने से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो वो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वो अपने आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और वो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे सारे लोगों को पैमाना बहुत ही सेकेंडों में याद हो जाए। दोस्तों अगर इन पैमानों में कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन अभी भी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो मैं दोबारा इस वीडियो को दोबारा बना करके आपको और कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन के नीचे एक सब्सक्राइब की रेड कलर की बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक घंटी की बटन है उसको भी दबा दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इस चैनल पर रोज़ एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती है, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी और आप उन वीडियोज के सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।